भट्टी साहब कौन है? वो नाम ही सुना तुमने? क्या है वो लाउतार? लाउतार मामी है तुम्हारी? अरे छोड़े, क्या करना सी मामी का, आए दिन यतीम होने के ताने देती रहती हैं। एक बार मेरा अमेरिका का वीजा लगेगा ना, मुंह नहीं दिखाऊंगा इन पागलों को। देखो अगर तुम्हें पता है कि मुझे सोशलाइजिंग और गेट टुगेदर्स नहीं पसंद, तो मेरी तरफ से तुमने हाँ क्यों की? एंड इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स वहाँ और भी लोग होंगे जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती, और अनजान लोगों से बातचीत करने का मुझे कोई शौक नहीं। क्या हुआ? घर के लीज का रिमाइंडर है। ओ बट एटलीस्ट लेट मी नो। हेलो हेलो, क्या है यार? क्या हुआ, मोबाइल फोन पे क्यों गुस्सा उतार रहा है? अजीब जाहिल लोग हैं। एक आदमी का पासपोर्ट रखा हुआ है तो कम से कम उसे बता ही दो कि वीजा लगा या नहीं। यार अखिल भाई की फैमिली ने भी अप्लाई किया हुआ है, बता रहे थे कि आजकल एम्बेसी वाले बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। 2.5 महीने बाद आया था उनका पासपोर्ट। वीजा लगा? नहीं। क्या यार, ओ भाई वो क्यों लगाएंगे हमें वीजा, हमारी शक्ल देखते ही उनको 9/11 याद आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो कम से कम बता ही दें। और अखिल भाई का वीजा नहीं लगा, उनका बैंक स्टेटमेंट का मसला होगा। अखिल भाई का पार्टनर सर्जिकल इंडस्ट्रीज का मालिक है, पहले भी 4 बार वीजा लग चुका है उसका। खैर, और यार तो किन चक्करों में पड़ा हुआ है? वैसे भी अमेरिका की अपनी इकोनॉमी का कोई हाल नहीं है, तो वहां जाके इन हालात में क्या फायदा उठा ले? इन्हीं हालात में इंसान फायदा उठाता है, इन्हीं हालात में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। यार ये लॉजिक सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चलती थी, अब नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बच्चे तुम जैसे लोग ऐसी बातें करते हैं, हर बड़े आदमी को बड़ा आदमी बनने से पहले यही बातें सुनने को मिलती। अच्छा भाई बड़ा आदमी, मैं तो सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ। मैं अपने मुफ्त के मशवरे अपने पास ही रख ले। अब तू मेरे पे भड़क रहा है, मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी रोका हुआ तेरा वीजा। हाँ तानिया का फोन आया था सुबह को, उसकी दोस्त की शादी है, दैट्स व्हाई शी इज कमिंग टू न्यूयॉर्क। अच्छा तो इसलिए गेस्ट रूम ठीक करने का ख्याल है। तो और क्या, तुमने कमरे की हालत देखी है? बिल्ली बेड पर बैठ गई तो इट्स गोना ब्रेक डाउन। तो अब तक रखा हुआ क्यों है? या मैं तो सिर्फ स्पेस कवर कर रहा था, मुझे क्या पता था कि ह्यूस्टन से मेरी बहन एकदम आने लगेगी। तो फिर कोई आम सा बेड ले लो ना। आम सा बेड? शी इज मैरिड टू न्यूरोसर्जन, मैडम के स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। वैसे भी आई डोंट वांट टू गिव एन एक्सक्यूज। व्हाट एक्सक्यूज? यही के मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए घर की ये हालत है, यू नो द टिपिकल। अच्छा अच्छा बताओ वो वाला कैसा रहेगा? यू टेल मी, तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम्हारे घर में बैठ जाना है, मेरे घर में नहीं। मेरा और तुम्हारा घर एक ही है। अच्छा व्हाट अबाउट दैट वन? यार आई डोंट नो, तुम सिलेक्ट कर लो, यू नो कि आई एम सो बैड एट दिस। और वैसे मैंने तुम्हें बुलाया क्यों? अच्छा तुम्हारे गेस्ट रूम का फर्नीचर सेलेक्ट करने के लिए मैं हूँ? हाँ नहीं नहीं डोंट वरी, उसके बाद हम बेड शीट्स देखेंगे एंड देन पिलो कवर्स एंड कर्टन्स एंड सो ऑन एंड ऑन एंड। आलिया वो मलिक साहब की बीवी तो नहीं आई? नहीं। शुक्र है, मैं समझी मैं लेट हो गई थी, उनको 1 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था मैंने। अरे वो आ जाएंगी, तुम डोनट खाओ। डोनट? मैं वहां गई थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए डबल चॉकलेट ले आऊं। बड़ा ख्याल आया मेरा आज। ये तुमने कुछ किया? मैंने क्या करना है? नहीं वाकई कुछ किया? मैं तुम्हारे लिए डोनट नहीं ला सकती हूँ। नहीं। अच्छा एक्चुअली वो मैं सोच रही थी कि अगर बोलो आलिया क्या हुआ है? अच्छा तुम्हें याद है उस दिन पब्लिसिटी वाली बात हमने की थी, वो जो हीरा ब्यूटी पार्लर वाले कर रहे हैं? हाँ हाँ। तो मैंने भी पब्लिसिटी के लिए एक सस्ता आइडिया सोचा है। अच्छा वो क्या है? न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है? कैब या ट्रेन? अब ट्रेन में ऐड डालना बहुत महंगा होता है, तो इसलिए द बेस्ट ऑप्शन इज़ कैब। हाँ लेकिन कैब वाले भी तो पैसे मांगेंगे ना। अगर हम एसोसिएशन के पास जाएं, लेकिन अगर हम कोई अंदर का बंदा ढूंढे जो कैब में बैठे क्लाइंट्स को हमारे बारे में बता सके तो? हाँ लेकिन ऐसा आदमी कौन मिलेगा जो? ओह नो,
यस। नहीं आलिया, आलिया तुम पागल हो गई हो? और मैंने उनको फोन भी कर लिया, वो रास्ते में आ रहे हैं। क्या? ओह माय गॉड। तो मिस्टर भट्टी, हमने एक्चुअली आपको आज इसलिए बुलाया है कि हम सोचे थे कि आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। जी जी, हुक्म कीजिए। व्हाट आई डू? वो एक्चुअली आजकल ये जो ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, इसमें बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो हम सोचे थे, सलमा और मैं, कि हम थोड़ी पब्लिसिटी कर लें। आई थिंक गुड पॉइंट है, गुड पॉइंट। डायरेक्टर जी, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप हमारी थोड़ी मदद कर लें। देखें, ब्यूटी पार्लर का जहाँ तक ताल्लुक है, ना तो मैंने कोई उसका कोई काम सीखा है, ना कोई काम मुझे आता है। मैं जो मदद कर सकता हूँ आप लोगों की, उससे यही है कि चलो दो हफ्ते बाद, ना सही, एक हफ्ते बाद आके बाल शाल कटवा लिए। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आपकी एक्चुअली कैब कम्युनिटी में काफ़ी वाकफियत है ना? जी जी, बिल्कुल, माशाल्लाह। तो हम सोच रहे थे कि जो इस एरिया के सारे कैब वाले हैं, उनको आप हमारा ब्रोशर दे दें और कहें कि जो भी क्लाइंट्स उनकी गाड़ी में आए तो उनको दे दें, लेकिन एसोसिएशन वालों को बताए बगैर। इसका मतलब यह है कि आप मुझसे दो नंबर काम लेना चाह रहे हैं? नहीं जी, वो लेकिन फिक्र करने की तो नहीं, डन है, डन है। और यकीन मानिए, अब पता चला है कि मैं गैरों में नहीं बैठा हूँ, अपनों में बैठा हूँ, पाकिस्तानियों में बैठा हूँ। हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ के जितने भी कैब वाले ना, अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी ने एक अपना नाम, एक अपनी सह बनाई हुई है यहाँ। हैं, हाँ, तो फिकर नॉट माय, वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन वो जो एसोसिएशन वाले लोग हैं, अरे छोड़िए ना उस एसोसिएशन, इस एसोसिएशन पे काम करें, उस एसोसिएशन को छोड़ें। हैं जी। और भट्टी साहब, इसके बदले में आपको तो ज्यादा से ज्यादा ये है कि बस मैं हफ्ते दो हफ्ते बाद आया करूँ, तो बाल काट दिया करो। डन, डन हो गया जी, डन हो गया जी। ठंडी हो गई है, मैं गर्म करवा के ला दूं? है? नहीं नहीं, मैं ले आता हूँ। आ गया। हे, कम इन। वेलकम वेलकम टू पट्टी तियारा। गिफ्ट फ्रॉम पट्टी, डिस्काउंट। बट सर, यू डोंट गो। व्हाई? ओ सर, ताड़े सिर पे है कि जो साफ करा रहा है। आई मीन नो हेयर, सफा शर्ट, रेजर कट शर्ट, नवी मुसीबत ना है। हाँ, ओके, कैन वी गो टू 14th इन लेक्सिंगटन? ओके सर, पट्टी इन एक्शन। ऑलराइट, लेट्स गो। You good, sir? Yeah, pretty good. Great, great. Listen, go and see. What do I do with this? Give to your wife? I don't have a wife. Huh? Then give to your mother, your sister, or your girlfriend? Man, I live alone. I sat ke jaun tere. Te apne ja ke baal katala na. Haircut you need? Dekhna, sir to bina ghar ko hai. What? Oh, nothing, nothing. Madam, you tourist here? Yep. You go ahead then. What is it? You don't know? No. Haseena Beauty Parlor, top parlor of New York.
Yes. हाँ. तो at least check तो कर लिया करो. मैं दो दिन से calls कर रही हूँ. हाँ वो मैं check करना भूल गया. अच्छा. और अगर तुम्हारे वीजा वाले भी कॉल करते रहे हो तो वो क्यों कॉल करेंगे? उन्होंने अब कॉल नहीं करनी. आजो आजो. Nice. पर मुझे आपका पुराना घर ज़्यादा अच्छा लगता था. बताऊँ क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो टाइम्स स्क्वायर पे था और तुम्हें शॉपिंग करने के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ता था. That's why. अपनी कन्वीनियंस भी तो देखनी है. हाँ तो मेरी भी कंसीडर कर लिया करो. आओ बैठो. वैसे घर साफ बहुत रखा हुआ है. मम्मी देखेंगे तो बहुत प्राउड फील करेंगे. अब जो भी है मम्मी को बता देना. एंड बाय द वे आई स्वेयर आई डोंट बिलीव दिस, तो मम्मी को मेरी शिकायत अभी तक लगाती हो? मैंने कब शिकायत लगाई? अच्छा लास्ट टाइम जब आई थी मम्मी को मुंबई कॉल करके क्या कहा था? ओ मम्मी ही लुक सो वीक मिस हा. उसकी वजह से मुझे 3 हफ्ते तक मिस्टर पटेल का खाना खाना पड़ा जस्ट टू लुक हेल्दी. हाय तानिया. ओह हेलो. How are you? Good. I didn't know you were here. I'm sorry. I completely forgot. Well, thank you very much. ये चुप होती तो मैं तुम्हें बताता ना. तानिया, मैंने मिशेल से कहा था कि तुम्हारा कमरा सेटअप कर दे. Thank God. अगर इसके ऊपर छोड़ देते पता नहीं कैसा कमरा होता. अच्छा तुम ऐसे करो कि go settle in. मैं लंच तैयार करती हूँ. You're making lunch? Yeah. ओ यार तुम्हारा तो वो रेस्टोरेंट है जैक्सन डाइनर. अच्छा गो 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 कम ऑन फ्रेशन अप. चलो हरी अप हरी अप. सच अ टायरेंट. दिस इज सो गुड. ये भी खाओ और खाना खत्म कर लेना वरना बिल देना पड़ जाएगा. मेनी आई एम जस्ट किडिंग. और हाउ इज अली? ही इज गुड. बच्चे? बच्चे भी ठीक हैं. आयशा तो बिल्कुल बॉलीवुड बन चुकी है. तो शाहरुख उसका फेवरेट होगा आई गेस. लाइक मदर लाइक डॉटर. ओह अच्छा. तुम क्यों जेलस हो रहे हो? यार कोई एक्टर तो अच्छा होना. ही इज नॉट सो बैड और क्यूट भी है. नहीं मिशेल? एब्सोल्युटली. ओह प्लीज. तुम तो मेरे साथ लास्ट टाइम उसकी पिक्चर भी देखने नहीं गई थी. इसलिए तुम बीच में बोल बोल के सारी पिक्चर खराब कर देते. दैट्स सो राइट. Yeah. अच्छा मूड ऑफ मत करो. Have some chicken. Come on. Wow, you know him so well. थोड़ी देर में ही भूख निकल गई. अच्छा मुझे शादी के लिए सैंडल्स खरीदनी है. प्लीज मुझे शॉपिंग ले जाना. अस्सलाम वालेकुम नानी. अरे वालेकुम अस्सलाम. कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक. आप बताएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है. तू सुना पढ़ाई कैसी जा रही है? जबरदस्त. अच्छा नानी वो मैं पूछ रही थी कि जमशेद घर पे है क्या? एक्चुअली मुझे ना उसको अपना एसे चेक करवाना था. घर पे ही है, कमरे में बंद पड़ा है. उसे जाके कहो कि सुबह से तूने खाना नहीं खाया, बाहर नानी बुला रही है तुझे. जी नानी. अच्छा तुम क्या डाइटिंग कर रहे हो? जो ना खाना खाते हो और सोच सोच कर सिर्फ अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो. सोचने से कैलोरीज जलती ना, तब तक मैं नजर आना बंद हो चुका होता. खैर तुम कैसे आई? सीढ़ियों से. बहुत ही फारिग जॉब था. चलो एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की. और बात सुनो, ये तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? वो मैंने साइलेंट पे किया हुआ. तो एटलीस्ट चेक तो कर लिया करो. मैं 2 दिन से कॉल्स कर रही हूँ. हाँ वो मैं चेक करना भूल गया. अच्छा और अगर तुम्हारे वीज़ा वाले भी कॉल करते रहे हो तो वो क्यों कॉल करेंगे? उन्होंने अब कॉल नहीं करनी. सुनो वहाँ से कोई जवाब आया? अच्छा खैर छोड़ो. ये बताओ कि तुमने आयशा के भाई को ट्यूशन पढ़ाना क्यों छोड़ दी? इसलिए क्योंकि अब ट्यूशन के पैसे कमाने का कोई फायदा नहीं. लेकिन तुम तो टिकट के लिए पैसे जमा कर रहे थे. तो
टिकट के पैसे जमा कर भी लेता तो क्या फर्क पड़ता। जमशेद अभी वहाँ से कोई जवाब तो नहीं आया ना? वहाँ से कोई जवाब आएगा भी ना तो मुझे लग रहा है ना ही होगा। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? देखो हर बात में अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलहत होती है। अब देखो ना अगर तुम चले जाते तो बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत मिस करते। कौन, मामू या मामी? नहीं उनके अलावा भी लोग हैं जैसे कि नानी। नानी? नानी को तुम वैसे भी अपने पास बुलाने लगा, इन लोगों के पास छोड़ा तो पागल हो जाएंगे। मेरा मतलब है कि नानी के अलावा भी लोग हैं जो तुम्हें मिस कर सकते हैं। जैसे? जैसे कि नादिर। नादिर? उसके मिस करने की खैर है। और मैं? अस्मा। जी नानी। बेटा तुम्हारी माँ बुला रही है तुम्हें। जी नानी आ रही हूँ। तुम मेरे साथ अमेरिका चलती? ये तो एक दिल सी रे मेरे को लो भी आ जाओ मेरा बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई घबराने वाली कौन सी बात है? अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम जी। लो जी मेरे साथी हैं नदीम बेग साहब, उनकी बेटियां हैं। अच्छा। कह रही थी पार्लर जाना तो मैंने कहा अपनी आलिया बाजी का पार्लर है चलो आज वहां ले चलते। वेरी गुड, थैंक यू भट्टी साहब। आइए आप मेरे साथ आ जाओ मेरा बेटा। सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हैं? जी क्यों? नहीं नहीं मैं तो बस वैसे ही। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। अरे आलिया बाजी कैसी बातें करती हैं, थैंक यू कि इसकी मैं क्या जरूरत है, ये तो मेरा अखलाकी फर्ज है। यार तुम लेट नहीं होगी अपनी अपॉइंटमेंट के लिए? हाँ लेकिन मुझे वैक्सिंग स्ट्रिप्स नहीं मिल रहे, यही रखे थे मैंने। नहीं यार 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी, मिसेस बेला सिंह मुझे पागल कर देंगी, प्लीज तुम जाओ। रिलैक्स मैं जा रही हूँ। ये मिसेस बेला सिंह की बीवी है ना? नहीं तो विनोद सिंह की बीवी है। अच्छा यार जाओ जल्दी प्लीज। बस मिल गया मुझे, मैं जा रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं ड्रॉप कर दूँ? हाँ आइडिया अच्छा है, थैंक यू भट्टी साहब। हाँ इनके साथ चली जाओ। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बाहर से ले लूँगी। अब बाहर से कैब लेने की क्या ज़रूरत है भट्टी साहब, है ना? थैंक यू सो मच भट्टी साहब, मैं आपको कैब फिर बाद में दे दूँगी। आलिया लिसन। एक्सक्यूज मी प्लीज, सुनिएगा। जी जी आई एम कमिंग। ओके गो, थैंक यू भट्टी साहब। ये जो बेला सिंह है ना वाकिफ है मेरा। तो मैं क्या करूं? नहीं मैं तो आपको वैसे बता रहा हूं आपकी जनरल नॉलेज के लिए। आइए मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। मैं बेला सिंह की दुकान पर ना अक्सर डिलीवरी करता रहा हूं, जब भी कोई सामान कम पड़ जाता है ना तो मुझे कह देता है, बड़ा नाइस आदमी है। क्या बात है आज बहुत साइलेंट हैं आप। मैं ही सिर्फ स्पीकिंग कर रहा हूँ, है आप नहीं कुछ स्पीक रहे हैं? आप जो स्पीक रहे हैं। पॉइंट तो है जी, पॉइंट तो है। तो ये कब से कर रही हैं आप बालों की कटिंग? काफी अरसा हो गया। सेम टू मी जी, इसको मतलब ये हुआ कि हम दोनों अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। वैसे मुझे पता नहीं था कि ये बेला सिंह वगैरह बाल भी कटाते हैं, लेकिन फन टाइम आदमी है। तो आपने तो बहुत से डिफरेंट लोगों के वो की होगी बालों की कटिंग, है ना? मैं बाल काटने नहीं जा रही, वैक्सिंग करने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा क्या? वैक्सिंग, मैं वैक्सिंग भी करती हूँ। ओ वैक्सिंग मतलब? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? नहीं वो आपने क्योंकि पहले कभी बताया नहीं है ना इस बारे में। क्यों आपको करवानी थी? हैं हाँ नहीं नहीं जी लदास वैक्सिंग करा। तू नौकरी करना चाहता है? सिर्फ नौकरी नहीं, वो पार्टी वाले जुबैर भाई है ना, उनसे बात कर। वो अंधे नहीं है, इतने साल हो गए आप इंडिया भी नहीं वापस गए,
और जब कोई घर पे आता है मिशेल की बातें, जब कोई कॉल करता है मिशेल की बातें। हेलो मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून, एक बज चुका है। रात को बहुत लेट सोए थे। कोई रात को लेट नहीं सोए थे, सुबह सोई थी। 5 बजे तो वापस आई थी तुम संगीत से। आई नो बट इट वाज सो मच फन। हस्बैंड और बच्चों को ह्यूस्टन छोड़कर कर लो मजे। आपकी जब फैमिली होगी ना तो पता चलेगा कि जब अकेला टाइम मिलता है तो इट्स सच अ ब्लेसिंग। डॉक्टर साहब को कॉल करके तुम्हारे विचार बताऊंगा। या अच्छा फैमिली से याद आया, आपका क्या प्रोग्राम है? फिलहाल कोई इरादा नहीं है बच्चों का। मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, शादी की बात कर रही हूँ। कर लूंगा शादी, जल्दी क्या है? यू मीन जब सारे बाल से फैद हो जाएंगे? दे लुक एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड बाय द वे। मिशेल के भी काफी ऐसे आंखें क्यों निकाल रहे हैं? अम्मी और सनी को भी सब कुछ पता है। उनको किसने बताया? वो अंधे नहीं है। इतने साल हो गए हैं आप इंडिया भी नहीं वापस गए, और जब कोई घर पे आता है मिशेल की बातें, जब कोई कॉल करता है मिशेल की बातें। हेलो एक्सक्यूज मी, मिशेल रीजन नहीं है मेरे इंडिया वापस ना जाने की। क्या सोफिया को अभी तक भूल नहीं सके? ओह माय गॉड, उसको इतने साल हो गए भूले हुए। इट्स बीन इयर्स, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई नो, तो फिर क्या है? क्या डर लग रहा है कि सोफिया की तरह मिशेल भी रिजेक्ट कर देगी? सोफिया तो इटालियन थी, मिशेल की बात ही और है, और अम्मी भी बहुत बदल गई हैं। I know. आपने मिशेल को बताया है इस बारे में? नहीं। क्यों? अभी I don't think she's ready. Ready? उसकी डिवोर्स को तो इतना टाइम हो गया है। हाँ, 15 साल। 15 years? Oh God, बहुत टाइम होता है। और आपको भी तो टाइम हो गया है। I'm telling you, this is the perfect time for both of you to move on. I know, but yeah, the thing is कि मैं उसको फोर्स नहीं करना चाहता। You mean आपने उसको ये नहीं बताया कि आप उसका वेट कर रहे हैं? कहने की क्या जरूरत है? हम कोई टीनेजर्स थोड़ी हैं कि वर्बली एक दूसरे को बताएं। Some feelings don't need to be told in words. God, बाल बाकी सफेद हो गए। अरे बेटा आओ खाना खा लो। नानी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। बड़ों को सलाम करना भी भूल गए हो? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सुनो, वो मेरी खुर्शीद साहब से बात हुई है, उनका साला है गैलेक्सी टेक्सटाइल में, वहाँ एक सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, तो उनसे मिल लेना। जी वो क्या हुआ? बाबू सुपरवाइजर, कोई मसला है क्या? सुपरवाइजर की नौकरी इसकी शान के खिलाफ है। चुप रहो तुम। देखो बरखुदार, अगर किस्मत से अच्छी नौकरी मिल रही हो ना तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम जैसे ग्रेजुएट जो ना सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं अच्छी नौकरी की तलाश में। लेकिन मामू मेरी डिग्री के बेस पर ही मुझे सुपरवाइजर से बहुत बेहतर नौकरी मिल सकती है। तो ढूंढ क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारे तो ताल्लुकात भी बहुत हैं। जाओ खुदा के लिए कुछ करो, जान छोड़ो। आराम से आराम से। क्या मजाक है? मजाक बना रखा है इसने सिर्फ आपके लाड प्यार की वजह से। बस करो। माँ जी ये क्या बात है, आप किसी को उसे कुछ कहने भी नहीं देती। आप उसे ना खुद समझा दें कि अगर इस घर में रहना है ना तो इस घर के असूलों के मुताबिक रहना पड़ेगा। अब हम और नहीं कर सकते, बस। ठीक है ये मेरे बस में तो कान के नीचे खींच के दूर से मैं, होश ठिकाने आ जाए इसके।
क्या? हाँ, तू नौकरी करना चाहता है? सिर्फ नौकरी नहीं, वो पार्टी वाले जुबैर भाई ना, उनसे बात कर। उनके मुंह पे तू इनकार करके आया था? तो मुझसे गलती हो गई, क्या हुआ, मैं उनसे बात कर लूंगा। ओ भाई, वो कोई आम आदमी नहीं है, और सरकारी नौकरी को लात मार के आया था तू। हाँ तो क्या हो गया, इस बार नहीं मारूंगा लात। यार तेरे चक्कर में ना मेरी नौकरी भी नहीं होनी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, और वो अमेरिका जाने का ख्वाब बहुत ख्वाब थे, मेरे ख्याल अब जागने का वक्त आ गया। हेलो। Hey buddy, it's Mark. Yes, Mark. Mom is wondering when you're going to be home. On my way, 20 minutes. She also wants you to pick up sugar and salt for her marinade. She's making steak. Oh, mommy making steak. Yum yum, huh? Good, good. I bring. Bye. हाँ जी। हेलो इमरान भाई। हैं? हाँ जावेद बोल। इमरान भाई, असलम जख्मी हो गया, कुछ लोगों ने मारा पीटा है। हैं? तो कहाँ हो तुम लोग? हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं फिर आता हूँ, उधर ही आता हूँ, तुम्हारे पास ही आता हूँ। हैं? हाँ 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 हाँ, फिक्र ना कर, आ रहा हूँ। आराम से हिम्मत कर, हिम्मत, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, सब दवाई खाना और सो जाना, बस सुबह तक ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चल शाबाश। इसको वो दवाई शवाई दे देना, उसका खास कहाँ लिया है ना, बस ठीक है। शुक्रिया इमरान भाई, उसमें ठीक होते ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। पैसों की बात दोबारा की ना तो दूसरी बाजू भी तोड़ दूंगा तेरी में। जी पैसे, भट्टी साहब पुलिस को बताना है? नहीं नहीं, खाम खाया भाई, कौन भुगतता फिरेगा तारीखें, फिर रहने दे। फिर भी बिल कितना था हॉस्पिटल का? क्या तकलीफ है तुझे, उसके सामने दोबारा यही जिक्र कर रहा है तू, हद हो गई। ओहो, हेलो। मैं आता हूँ। वो आई वाज डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम इट इज? जमशेद कहाँ जा रहा है तू? मेरा पासपोर्ट आ गया यार। और वीजा? वो तो वहां जाके पता चलेगा। सोच ले, अगर नहीं लगा तो तू यहां से भी जाएगा। Why are you shouting on the phone? Why expect me to be cool about this? No, you're shouting Javed here from my phone. I don't care if Javed can hear me on the phone. You were meant to be here with the food. You come late, you don't bring the food. The kids haven't eaten. Yeah, I know. I told you Aslam in the hospital had fighting. Imran, I don't give a shit about your desi friends. They can get shot for all I care. Are you crazy? Don't speak to me like that. Aur kisna gal karate na? And not in Urdu. Not Urdu, Punjabi. I don't give a shit. I also don't care. And you? You go see a doctor. Go. And you can take your crappy attitude and your crappy English and get out of my house. Not your house. My also. I pay money. Yeah. Work day night. Yeah, why don't we get a lawyer to look into that? And while we're at it, here's your immigration interview. I guess you don't need me for that either.
सॉरी। डोंट टच मी। यार, आई नो यू आर राइट, आई एम सॉरी, आई नो इट्स माय मिस्टेक। नो, आई एम सिक ऑफ दिस बिहेवियर इमरान। I want you to get one thing really clear. If it weren't for me, you wouldn't even be here. Right. You're right. Huh? Huh? Sorry. क्या हुआ भाई? ये साहब अभी तक अमेरिका नहीं गए? नहीं जी। अच्छा, तो ये बताओ कैसे आना हुआ? वो दो फाइलें, नौकरी। दो फाइलें? दूसरी वाली मेरी है। यार, तुम और पाकिस्तान में नौकरी करोगे? जी। कमाल हो गया, इतना जबरदस्त टैलेंट और पाकिस्तान में सरकारी नौकरी। यार, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं जी। जुबैर भाई, इस बार ये सीरियस है। मैंने इसको बहुत समझाया है कि अमेरिका में नौकरी करने का क्या मज़ा जो यहाँ पे सरकारी नौकरी करने में। और वैसे भी ये मौका तो हमें जुबैर भाई की वजह से मिल रहा है, वरना। तुम क्या कहते हो मियाँ? मैं समझ गया। चलो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक बार पेपर प्रोसेस में डल गए तो भाग तो नहीं जाओगे? नहीं जी, मैं सॉरी। हेलो जी, एक्सक्यूज मी, होल्ड ऑन। हेलो जी, आप जमशेद अहमद बात कर रहे हैं? जी जी, मैं अमेरिकन कॉन्सुलेट से बात कर रहा हूँ। आपका पासपोर्ट आ गया, आके कलेक्ट कर लें। जी आप जमशेद अहमद बोल रहे हैं ना? जी जी। आपने वीजे के लिए अप्लाई किया था? राइट। वीजा लग गया? आई एम सॉरी सर, मैं बता नहीं सकता। आप पासपोर्ट चेक करके बता देना कि वीजा लग गया कि नहीं। सॉरी सर, हमें अथॉरिटी नहीं है, आपको खुद आके कलेक्ट करना होगा। ओके, थैंक यू। सॉरी सर, ये फाइल मैं ले लेता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? ठीक कह रहे सर, इतना ज़बरदस्त टैलेंट और पाकिस्तान में सरकारी नौकरी, बात नहीं बनती। थैंक यू वेरी मच सर। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट दीजिएगा। जमशेद, कहाँ जा रहा है तू? मेरा पासपोर्ट आ गया यार। और वीज़ा? वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। सोच ले, अगर नहीं लगा तो तू यहां से भी जाएगा। हाँ, looking very nice. Stop flirting. Me flirt? मैं क्या इनके साथ कोई भी फ्लर्ट नहीं कर सकता, because she is absolutely flirt proof. क्या पता इनका लग गया हो? देख लो भाई, क्यों लगता है? देख लो भाई, देख लो, तुम भी झटका खा लो। Making breakfast for family. You made breakfast for us? Are you okay? I do this early. Don't remember? Why not try again? McGuire, you made breakfast because mom's pissed with you. Chale. Lakad dekh rahi se baan dekh. She angry, always routine. I don't bother. Oh, let's go. To zoo on weekend. I'm not 11 anymore. But I am. Let's go. Yeah, geez. We go. I'm busy over the weekend. Going to Jess's for a sleepover. And then you guys will sneak off to the parties. Shut up. Your bus is here. Bye, Mark.
ये सुबह सुबह घर छोड़कर कैसे आ गए? Very funny. आज तानिया मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ. Yes, it's girls' day out today. Hello. Looking so lovely. Thank you. So you? हाँ, looking very nice. Stop flirting. Me flirt? मैं क्या इनके साथ कोई भी flirt नहीं कर सकता, because she is absolutely flirt proof. So funny you are. हाँ, तो इतनी सुबह सुबह ऐसे ही sense of humor होगा. जैसे बाकी का सारा दिन बेहतर होता है. Good one. अच्छा तो आती साथी साइड ले लिया आपने. यार मुझे बता देते मैं भी चलता तुम लोगों के साथ. No, it's a girls only plan. Yep. अच्छा अच्छा go. Enjoy yourself. वैसे can still call meeting में बदल लेते. No. Okay. Do your retail therapy. सब बकवास है यार. सही बोल रहे हो यार. लगता वक्ता है. एनी वेज आपको लग गया वीजा? जी मैम मैंने देखा नहीं. देख लो भाई हमारे तो रिजेक्ट हो गए. ये ड्रामा है सब यार. लगता वक्ता है नहीं. लेते हैं वीज़ा और देते हैं हमारा टाइम वेस्ट करते हैं. क्या पता इनका लग गया हो. देख लो भाई क्यों लगता है. देख लो भाई देख लो. तुम भी झटका खा लो. मुझे ये बताएं कितनी देर का वीजा लगा है उसका. है हाँ 6 माह का. अच्छा ठीक है तो 6 महीने बाद जब वीजा खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा. है जब आप किसी चीज को पूरे जज्बे से चाहते हैं ना तो आपको मिल ही जाती है. हर किसी के साथ ऐसा नहीं है. देखो मिशेल जिंदगी में मूव ऑन करने की भी जरूरत है ना. आखिर कब तक तुम एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से अपने आप को सजा देती रहोगी. और मैडम आपको किसने कहा अकेला रहना सजा है. ये जो अमेरिका है ना इससे मुझे डर लगने लगा. क्या हो गया नानी. डरने की क्या बात है. मैं पता है क्या करूँगा. मैं वहाँ जाऊँगा नौकरी पकड़ूंगा और नेशनलिटी का जैसे ही सीन बनेगा ना ऐसे करके